वेलकम ऑल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की SST क्लास 5th की SST का लेसन नंबर 6, इट्स क्लाइमेट। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। इफ वी स्टडी द वेदर ऑफ एनी प्लेस, अगर हम किसी जगह के मौसम को स्टडी करें फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, देन वी कैन गेट एन आइडिया, तब हमें एक ऐसा आइडिया मिल जाता है ऑफ द वेदर, मौसम का कंडीशन। वेदर कंडीशन मतलब वहाँ का मौसम का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे वो काम कर रहा है, ऑफ डैट प्लेस, उस जगह का। दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का क्लाइमेट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इस पर डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस, उसकी दूरी कितनी है इक्वेटर से। क्लाइमेट इफेक्ट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, क्लाइमेट असर करता है लोगों के रहन सहन पर। द टाइप, कैसे असर करता है, द टाइप ऑफ हाउसेस वी लिव इन, हम किस तरह के घरों में रहेंगे, हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे, द क्लोथ्स वी वियर, हम किस तरह के कपड़े पहनेंगे, द फूड वी ईट, हम किस तरह का खाना खाएंगे, द वर्क वी डज, हम किस तरह का काम करेंगे, दिस डिपेंड ऑन इट्स क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं एक पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट के ऊपर। द एटमोस्फेरिक कंडीशंस, जो वहाँ के एटमोस्फेयर के हालात होंगे, कौन कौन से, टेम्परेचर ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ सनलाइट, कितनी सनलाइट आ रही है, टेम्परेचर कितना है, बादल कितने आते हैं, रेन कितनी होती है, हवा कैसी चलती है और हवा किस डायरेक्शन में चलती है, एंड इट्स स्पीड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, और कुछ समय तक उसी स्पीड को हम नोट करते हैं कि कैसी रहती है। एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक जगह में, इज नोन एज द वेदर ऑफ डैट प्लेस, उसको हम कहते हैं उस प्लेस का मौसम, कि उस प्लेस में कैसा मौसम है, ठीक है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ में पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लोग लिव इन हाउसेस, घरों में रहते हैं, मेड ऑफ वुड एंड स्टोन, जो कि लकड़ी और स्टोन के बने होते हैं। द रूफ्स आर स्लाइंटिंग, उनकी रूफ कैसे होती हैं, स्लाइंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं, ठीक है। सो डैट, ताकि स्नो डज नॉट सेटल एंड फ्रिज ओवर इट, ताकि स्नो वहाँ पर घर ना बना सके और जम ना सके। इन द ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्ट की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, जैसे आसाम है, वेयर इट रेन्स ओवर लोड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हाउसेस आर रेस्ट ऑन बैम्बो, हाउसेस कैसे बनते हैं, बैम्बो पे, ये देखो नीचे बैम्बो है ना, ठीक है, बांस है नीचे, ठीक, क्यों बनते हैं बैम्बो पिलर्स, क्यों बनते हैं, सो डैट दे स्टे अबव वेट ग्राउंड, ताकि वो गीले ग्राउंड से ऊपर बनाए जा सके। हाउसेस के नीचे बैम्बो पिलर्स खड़े किए जाते हैं ताकि वो हाउसेस ग्राउंड से ऊपर हों और गीला मिट्टी हाउसेस को ख़राब ना करे। देखो, अ हाउस इन रेनी एरिया, इस तरह का हाउस जो है हमारा रेनी एरिया में बनता है। क्लोथ्स आर आल्सो वॉर्न अकॉर्डिंग टू वेदर, कपड़े भी वेदर के, मौसम के हिसाब से ही पहने जाते हैं। इन तमिलनाडु एंड केरल, तमिलनाडु और केरल में, एंड अदर साउथर्न स्टेट्स, और दूसरी जो साउथ की स्टेट्स हैं, पीपल वियर वाइट कॉटन क्लोथ्स, लोग सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सो डैट दे फील कम्फर्टेबल एंड गेट कूल, ताकि उनको कम्फर्टेबल लगे और वो ठंडे रहें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। इन विंटर, गर्मियों में, वी ईट ग्राम्स, हम ग्राम्स खाते हैं, शीशम सीड होती है, तिल खाते हैं, पीनट, मूंगफली एंड जैगरी और गुड़, टू कीप अवर बॉडी वार्म, ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। इन समर, गर्मियों में, वी ईट जूसी फ्रूट, हम जूसी फ्रूट खाते हैं, जैसे लाइक वाटरमेलन एंड मैंगो ड्रिंक, और पन्ना पीते हैं मेड आउट ऑफ ग्रीन मैंगो पल्प, जो ग्रीन मैंगो के पल्प से, उसके अंदर जो गुद्दा निकलता है उससे बनता है, पल्प होता है गुद्दा। कोल्ड ड्रिंक्स आर यूज्ड इन मोर समर, और समर में, गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हैविंग सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो सीजन में फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं उनको खाकर हमारी बॉडी जो होती है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहती है, जैसे विंटर में कैरेट, पीस, कॉलीफ्लावर, एप्पल खाना चाहिए, और समर में स्पॉन्ज गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, ये दोनों ही हमारे लौकी होती है, एक गोल लौकी होती है, एक लंबी लौकी होती है, मैंगो और लीची, ठीक है। जस्ट थिंक, इन समर वी वियर कॉटन क्लॉथ, समर में हम कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ये हमने अभी ऊपर लिखा है, सो डैट
वी फील कंफर्टेबल एंड येरा सो डैट वी फील कंफर्टेबल एंड गेट कूल. ठीक है. इन विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स बिकॉज दे कीप अस वार्म. हाउसेस मेड ऑन बॉम्बो पिलर्स बिकॉज ताकि क्यों बॉम्बो पिलर पे बनते हैं ताकि जो गीली मिट्टी है उससे ऊपर रहे. ठीक है. सो डैट दे स्टे अबव वेट ग्राउंड बिकॉज दे स्टे अबव वेट ग्राउंड. ठीक है. ये क्या है फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. ये देखो ये सन है, ये सीधी धूप हमारी स्ट्रेट पड़ रही है. यहाँ पे स्लाइंटिंग हो गई, यहाँ पे और स्लाइंटिंग हो गई, यहाँ पे थोड़ी स्लाइंटिंग हुई, फिर थोड़ी ज्यादा हुई, यहाँ पे बिल्कुल स्लाइंटिंग हो गई. द अमाउंट ऑफ सन रेस डेट फॉल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इफेक्ट इट्स क्लाइमेट. जितनी सन की रेस किसी जगह पर पर्टिकुलर प्लेस पर पड़ती हैं उसके क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं. द प्लेस वेयर सन रेस स्ट्रेट ऐसी जगह जहाँ पर सन की रेस बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, किरणें रेस मतलब किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस मच वार्मर वो बहुत गर्म होता है. देन द प्लेस उस जगह से वेयर लेस सन रेस फॉल जहाँ पर कम सूर्य की किरणें गिरती हैं. बिकॉज द अर्थ इज एक्सपेंड नियर द इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन सन रेस एंड द अर्थ इज मिनिमम देयर. क्योंकि अर्थ जो है बहुत लंबा है कहाँ पर इक्वेटर के पास, डिस्टेंस ज़्यादा है और सन और रेस के बीच में कम डिस्टेंस रहता है इसलिए वो ज़्यादा गर्म रहता है इक्वेटर के आसपास की जगहें. डैट इज वाई प्लेसिस नियर इक्वेटर. यही मैंने अभी बोला है कि इक्वेटर के पास जो प्लेसिस होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं इन कंपेरिजन टू प्लेसिस नियर पोल विच आर एट अ डिस्टेंस. उनके बजाय जो पोल पर प्लेसिस हैं वहाँ वो ज़्यादा गर्म नहीं होते. बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस की तरफ टिल्टेड मतलब झुकी होती है. सन रेस फॉल एट डिफरेंट एंगल्स. सन की जो रेस हैं वो अलग अलग एंगल बनाती हैं अलग अलग जगहों पर अर्थ के. नियर इक्वेटर सन रेस फॉल स्ट्रेट. इक्वेटर के पास वो सीधी पड़ती हैं. प्लेसिस एट पोल्स. पोल्स की तरफ वो स्लेंट तिरछी पड़ती हैं. सन रेस सो दे आर वेरी कोल्डेस्ट प्लेस. इसलिए पोल के आसपास के हिस्से जो होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं. लेट्स डू समथिंग. एक काम करिए. टेक टू इक्वल शू बॉक्सिस सेम शेप. सेम शेप के दो शू बॉक्सिस लीजिए. उनमें इक्वल अमाउंट सैंड भरिए. कीप वन बॉक्स इन ओपन इन द सन. एक बॉक्स को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सीधी सन रेस पड़ती है और दूसरे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर स्लैंट सन रेस पड़ती है. ठीक है. थोड़ी देर बाद दोनों में थर्मामीटर डालिए और नोट कीजिए कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है. ठीक है. एरिया विद डिफरेंट टेम्परेचर इन वर्ल्ड. और संसार अब हम पढ़ेंगे संसार के ऐसे एरिया जहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर होता है. द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज. अर्थ को डिवाइड किया गया तीन इंपॉर्टेंट एरियाज से अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट. जिस तरह की हीट वहाँ पड़ती है. द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर एरियाज नियर द इक्वेटर हो उनमें जो एरिया इक्वेटर के पास हैं उस पर गेट स्ट्रेट सनलाइट सीधी सनलाइट पड़ती है. दैट्स दिस प्लेन्स आर वार्मर. इसलिए ये प्लेसेस गर्म है. ऑल द सिचुएटेड ऑन बिटवीन ऑल दिस सभी वे जो कि स्थित हैं 23.5 degrees नॉर्थ लैटिट्यूड पे वो कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करक रेखा एंड इन साउथ. और साउथ में 23.5 degrees लैटिट्यूड पे वहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा. दिस एरिया इज कॉल्ड ट्रॉपिकल. इन एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल. द एरिया नियर इक्वेटर गेट डेली रेन. और इक्वेटर के आसपास के जो एरिया होते हैं उन पे डेली रेन होती है. ये देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर के पे सीधी सन रेस पड़ेंगी तो इसके आसपास का एरिया बहुत गर्म होगा. जैसे ये एरिया ये बहुत गर्म है बट ये समुद्र के आसपास है. इंडिया का ये एरिया है तो इक्वेटर के पास इसलिए गर्म है पर समुद्र इसके पास है तो यहाँ पर रेन भी ज़्यादा होती है. ठीक है. ये हमारा फ्रिज जोन है. ये भी हमारा फ्रिज्ड जोन है जहाँ पर बर्फ पड़ती है. ठीक है. ये साउथ टेम्परेट जोन है. ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है. ये ट्रॉपिकल जोन है. ठीक है. यहाँ पे ये इक्वेटर है और ये हमारी डिग्रीज यहाँ पे कुछ डिग्रीज हमें दी हुई हैं. ठीक है. डू यू नो दैट ट्रॉपिकल एरिया हैव द सेम टाइप ऑफ वेदर थ्रू आउट द ईयर. जो ट्रॉपिकल एरिया उनमें वेदर हमेशा सेम रहता है पूरा साल.
इन इंडियन स्टेट्स लाइक केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया में केरला में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 degree लैटिट्यूड नॉर्थ गेट टिल्टेड रेस ऑफ सन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो करक रेखा है वो सबसे ज्यादा गर्म होती है क्योंकि वहां पर सीधी रेस पड़ती है। इन दिस एरिया देयर आर नो सो मैनी कंट्रीज। इस एरिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं वेयर नो एक्सट्रीम समर अलोंग विद वेरी कोल्ड विंटर कंडीशन। जहाँ पे गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा होती है और सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा होती है। देयर आर कोल्ड एज नॉर्थ टेम्परेट जोन्स। उनको हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन्स। सिमिलरली उसी तरह बिटवीन ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा जो हमारे साउथ एरिया में पड़ती है वो भी टेम्परेट जोन में आती है। उसमें गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। When we move towards poles, जब हम poles की तरफ मूव करते हैं, sun rays fall more tilted between 66.5 degree latitude north and north pole are and also 66.5 degree latitude south and south pole gets maximum tilted rays of sun, ठीक है। जब हम poles की तरफ मूव करते हैं तो हमारी sun rays ज़्यादा टिल्ट हो जाती हैं, झुक जाती हैं, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बोथ ऑफ दिस नॉर्थ एंड साउथ एरिया आर कॉल्ड फ्रिज्ड जोन। तो ये जोन हमारे होते हैं बर्फ़ वाले, जमने वाले जोन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सन रेस नहीं पहुँचती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँचती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिकॉज हेयर मैक्सिमम कोल्ड कंडीशन आर प्रेजेंट, दिस एरिया आर लाइक परमानेंट रेफ्रिजरेटर। और ये एरिया ऐसे हैं, ये परमानेंट रेफ्रिजरेटर की तरह होते हैं और यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, लोग इन एरियाज में नहीं रहते। अदर फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट, और दूसरे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच इफेक्ट द क्लाइमेट। वन ऑफ दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सबसे पहला है सी से डिस्टेंस, बिकॉज कीप्स द, क्योंकि ये एरिया कूल अराउंड इट, इसके चारों तरफ के एरिया को ठंडा रखता है। डैट्स वाई, इसी कारण एरिया नियर द सी, सी के नज़दीक जो एरिया है डज नॉट शो वेरी हॉट कंडीशन, वो बहुत गर्म नहीं होता ऑफ वेदर। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, मुंबई में ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। विच इज नियर अरेबियन सी इज नॉट ड्राई कम्प्लीटली टू नागपुर, नागपुर से ज़्यादा ड्राई वो नहीं है। वाइल बोथ आर एट सेम लैटिट्यूड, जबकि दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं। अदर फैक्टर्स विच इफेक्ट क्लाइमेट इज एल्टीट्यूड। दूसरा फैक्टर है जो क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है उसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर पोर्शन। डू यू नो डैट वेन यू क्लाइम्ड 165 meter इन हाइट, आपको पता है जब आप 165 meter ऊंचाई पर चले जाओ, देयर इज फॉल ऑफ 1 degree टेम्परेचर, तो 1 degree टेम्परेचर गिर जाता है। हिल स्टेशन स्टार्टेड एट अ हाइट लाइक शिमला एंड लद्दाख आर मोर कोल्डर देन दिल्ली। तो शिमला और लद्दाख जो हाइट पे हैं वो ज़्यादा ठंडे हैं दिल्ली के कंपैरिजन में। डू यू नो डैट अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद आइस। क्या आपको पता है कि अर्थ का 1/3 सर्फेस आइस से कवर है। 90% ऑफ आइस इज इन पोलर एरियाज, और 90% आइस हमें कहाँ मिलती है? पोलर एरियाज में। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, ओके। सन रेस टूवर्ड्स द पोल फॉल्स स्लेंट, पोल्स की तरफ सन रेस कैसे पड़ती हैं? स्लेंटिंग पोजिशन में। टेम्परेचर इज मेजर्ड थ्रू इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर, टेम्परेचर किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। अर्थ इज ब्रॉड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर अर्थ क्या है? ब्रॉड है, चौड़ी है। ऑन द इक्वेटर सन रेस फॉल स्ट्रेट, इक्वेटर पे सन रेस कैसी पड़ती हैं? स्ट्रेट। इन इंडिया स्टेट्स विच आर इन ट्रॉपिकल एरिया, इंडिया की जो स्टेट ट्रॉपिकल एरिया में वो कौन सी है? केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। कौन कौन सी है? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 areas, ठीक है। टेम्परेचर के अर्थ को 3 areas में डिवाइड किया गया है।
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। वो तीन एरिया कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, फ्रिज जोन और टेम्परेट जोन, या हम उसको कहेंगे इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। इट्स ऑल्सो फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ वी स्टडी द वेदर ऑफ एनी प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम देन वी कैन गेट द आइडिया ऑफ द वेदर कंडीशन पैटर्न ऑफ दैट प्लेस, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट। पीपल्स लाइफ स्टाइल इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। द हिमाचल प्रदेश हाउसेस आर बिल्ट ऑफ, किस किस से बने होते हैं? वुड एंड स्टोन मटेरियल। इन ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम हाउसेस आर रेस्ड ऑन डैश मटेरियल, बोम्बो। ठीक है, बेम्बो। अब वन वर्ड आंसर, आपको वन वर्ड में आंसर देना है, जबकि वन वर्ड में आंसर मिलता नहीं है, दो तीन वर्ड हमें लिखने पड़ते हैं या एक लाइन हो जाती है, नेवर माइंड मैटर्स। वट टाइप ऑफ क्लोथ डू पीपल ऑफ तमिलनाडु एंड केरला एंड अदर साउदर्न स्टेट्स वियर, कैसे क्लोथ्स पहनते हैं वो? कॉटन क्लोथ्स। इन समर सीजन वट टाइप ऑफ फूड वी ईट, कौन सा फूड खाना चाहिए समर सीजन में? विच मेक्स अवर बॉडी वार्म। नेम टू टाइप ऑफ सनरेस, दो तरह की सनरेस के नेम बताने, कौन सी है? स्ट्रेट और स्लैंट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? थ्री पार्ट्स में, कौन कौन से हैं वो? टॉरिड जोन, फ्रिज जोन और टेम्परेट जोन। वट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन पीपल, पीपल लोगों पर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है? बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, जैसा वहां का टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट होगा, वैसे ही लोगों पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? उनके खाने पे, ठीक है, और उनके रहने सहने के तरीके पे, उनके कपड़े पहनने के तरीके पे, सब पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच, ठीक है। सबसे पहले मैचिंग में हमारा आ जाएगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल को किससे मैच करोगे? 23.5 degrees north, 23.5 degrees south, ठीक है, ये रहा इससे, ठीक। और बेटा यहाँ पे ये देखो, साउथ 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 वाले दो दिए हुए, तो एक साउथ वाला है, एक नॉर्थ वाला है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। उसके बाद साउथ फ्रिज जोन को किससे मैच करेंगे हम? 66.5 degrees south से 90 degrees south, जहाँ पे फ्रिज होगा वहाँ पे 90 degrees south हो जाएगा, ठीक है। साउथ टेम्परेट जोन कहाँ हो जाएगा? साउथ टेम्परेट जोन होगा 23.5 degrees south से 66.5 degrees south तक। नॉर्थ फ्रिज जोन होगा, फ्रिज में हमारा 90 degree वाला आ जाएगा ये वाला, और टेम्परेट जोन में, नॉर्थ टेम्परेट जोन में 23 ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है, जिसको हमने साउथ को नॉर्थ में चेंज किया था। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चन। अब हमें इन क्वेश्चन के, दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है, तो इसको हम अभी करते हैं, पहले ये चैप्टर में और देख लेते हैं, लेट्स डू समथिंग है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। टॉक टू दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट लिव इन दिल्ली, आस्क देम एंड गेट अबाउट द वेदर ऑफ दैट प्लेस वेयर दे लिव, टेल देम अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, कुछ नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स से या उन लोगों से बात कीजिए जो दिल्ली में नहीं रहते, वहां से उनको वेदर पूछिए और उनका वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताइए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब इन दो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन एनी थ्री फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट, क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले थ्री फैक्टर्स कौन से हैं? डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी और डायरेक्शन ऑफ विंड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द एरिया इंटू डिफरेंट रीअप्रोप्रिएटेड, हाउ दे हैव बीन डिवाइडेड। एरिया कैसे डिवाइड होता है? एरिया थ्री तरह से डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा इक्वेटर पे है, जो टोरिड जोन कहते हैं। सेकेंड हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और थर्ड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं फ्रिज्ड जोन। इसके नीचे हमारा फ्रिज्ड जोन आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हमारे आते हैं टेम्परेट जोन में, उसके नीचे हमारा आ जाता है फ्रिज्ड जोन, और सबसे ऊपर भी हमारा नॉर्थ में भी आ जाता है फ्रिज्ड जोन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये तीन एरिया डिवाइड होते हैं। अब थोड़े से जल्दी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समर में जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनके नेम लिखने हैं। कौन कौन से खाते हैं? लीची, मैंगो, स्पंज गॉर्ड, बटर गॉर्ड और वाटरमेलन। और विंटर में क्या क्या खाते हैं? कैरेट, पीस, कॉलीफ्लावर, एप्पल और पीनट। ठीक है, नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू पीपल वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर? क्यों पहनते हैं पीपल वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर? सो डेट दे फील कम्फर्टेबल एंड गेट कूल, उनको कम्फर्टेबल लगे और ठंडा महसूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल वियर वार्म क्लॉथ इन ऑन द हिल्स? हिल्स पे वार्म क्लॉथ क्यों पहनते हैं? पीपल वियर वार्म क्लॉथ ऑन द हिल्स टू कीप देयर बॉडी वार्म, ताकि उनकी बॉडी वार्म रहे, गर्म रहे। वाई आर हाउसेस इन असम इरेक्टेड ऑन बॉम्बो पोल्स बॉम्बो मैकन्स? असम में बॉम्बो पोल्स पे घर क्यों बनते हैं? इन असम इट इज रेन अलॉट सो हाउसेस रेस्ट ऑन बॉम्बो पिलर्स सो डेट दे स्टे अबव द वेट ग्राउंड। असम में क्या है, हाउसेस बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हाउसेस बॉम्बो पिलर पे बनते हैं ताकि वो गीले ग्राउंड से ऊपर रहें। वाई इज द रूफ ऑफ हाउसेस ऑन हिल्स मेड स्लोपिंग? हिल्स के ऊपर हाउसेस की जो रूफ होती है वो स्लोपिंग में क्यों बनाई जाती है? द रूफ ऑफ हाउसेस ऑन द व्हील हिल्स मेड स्लोपिंग सो डेट स्नो डज नॉट सेटल एंड फ्रीज ओवर इट, ताकि उसके ऊपर स्नो इकट्ठी ना हो और उसके ऊपर जमे ना। नेक्स्ट, राइट द रीजन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट बुक। इट इज टू हॉट एट द प्लेस, बहुत ज्यादा प्लेस गर्म क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज सन रेस फॉल स्ट्रेट, वहां पर सन रेस सीधी पड़ती है। इट्स टू कोल्डर एट अ प्लेस, एक प्लेस बहुत ज्यादा ठंडा क्यों होता है? इट गेट्स स्लैंट सन रेस, इस पर तिरछी सन रेस पड़ती है। क्लाइमेट अफेक्टिंग पीपल लिविंग स्टाइल, क्लाइमेट लोगों के रहन सहन को क्यों बदलता है, इफेक्ट करता है? बिकॉज वेदर इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू क्लॉथ वी वियर, क्योंकि जो हमारा वेदर है वो हर चीज पे प्रभाव डालता है, कहाँ से खाने से लेकर और कपड़े तक जो हम पहनते हैं और खाते हैं, उन सब पर वेदर इफेक्ट डालता है। नाउ फिल द टेबल बाय लुकिंग द पिक्चर, ये पिक्चर देखकर हमने टेबल फिल करना है, ये हमारा नीचे टेबल है। ठीक है, इस टेबल में हमने क्या भरना है? नेम ऑफ टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन का नाम बताना है, एक्सपेंशन बतानी है और उसके फीचर बताने हैं। थोरिड जोन क्या होता है? 23 डिग्री लेटीट्यूड से नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ में होता है, और ये क्या होता है, बहुत गर्म होता है और रेनी एरिया है। सेकेंड हमारा आ जाएगा नॉर्थ फ्रिजिड जोन, ठीक है, इसका भी हमने बता दिया, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये आप करिएगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ पे, ये पोलर हम इसको बोलते हैं, ये कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये गर्म होता है, गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में ठंडा होता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। उसके बाद साउथ फ्रिज जोन, एरिया सेम है, यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा और कंडीशन भी सेम है। ऐसे साउथ टेम्परेट जोन भी नॉर्थ की तरह डिग्री सेम है, नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा और कंडीशन भी सेम है। ठीक है, होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी समझ आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।